पवनदीप राजन और आशीष की चमकी किस्मत अब मिल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतने बड़े बड़े ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्ती की मिसाल दी जाएगी तो उसमें पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी का नाम इंडियन आइडल की वजह से लिया जाएगा, क्योंकि यही वो मंच था जहाँ पे दो म्यूजिक डायरेक्टर्स तैयार हो रहे थे। जी हाँ, दोनों सिंगर्स तो हैं ही, पर इन दोनों का सपना है कि हमारा भी नाम पवन आशीष के नाम से लिया जाए और ये एक म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी हो, और शायद इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत बड़े बड़े मौके मिलने वाले हैं। मनोज मुंतशिर तो इनसे वादा कर भी चुके हैं और अब इनकी जोड़ी दिखी है एक बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ। जी हाँ, ये देखे गए हैं महेश मांजरेकर के साथ, जिन्होंने दबंग, वास्तव जैसी कई फिल्में बनाई हैं, कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, और उनके साथ ये जोड़ी दिखती है तो इसका कुछ न कुछ कहना तो है। शायद इनके आने वाली फिल्म में पवन आशीष ही म्यूजिक दे रहे हों या शायद कोई गाना गाने वाले हों। अब आगे की क्या है कहानी, ये तो कुछ दिन में क्लियर हो ही जाएगा, पर हमें इन दोनों के टैलेंट पर 1% भी शक नहीं है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। बात करें अगर पवनदीप की, तो पवनदीप के शायद 50 से 70 गाने ऐसे हैं जो अपकमिंग डेज में रिलीज होने वाले हैं, जिनमें 20 गाने का कॉन्ट्रैक्ट तो ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के साथ है, 10 गानों का कॉन्ट्रैक्ट हिमेश जी के साथ है, धर्मा प्रोडक्शन के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और भी कई सारे। तो दोस्तों, क्या आप पवनदीप राजन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।